हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम अक्सर बात करते हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में, जिसमें हम आपसे बात करते रहते हैं वीडियो एडिटिंग की टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक। चलिए आज हम आपको अपना एडिटिंग सेटअप दिखाते हैं। ये हमने अभी जल्द ही एडिट सेटअप लगाया है, जिसमें दो टेबल का हमने निर्माण करवाया है। एक पे हमने दो सिस्टम रखा हुआ है, ये विंडो सिस्टम्स है। यहाँ पर ये दो सिस्टम आपको दिख जाएंगे, और एक हमने आईमैक के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें हम आईमैक का पूरा एडिट सेटअप लगाया हुआ है। ये हमने मैन्युअली बनवाया हुआ है। ये जो टेबल आप दिख रहे हैं, इसका जो साइज है ना, 3 फुट बाई 6 फुट है। 6x3 की टेबल है, जिसमें हमने 1 फुट का यहाँ पर टेबल टॉप के ऊपर मॉनिटर स्टैंड लगवाया है, और इसकी 6 इंच की जो है ये हाइट है। इसमें से हमारा टेबल टॉप के ऊपर जो हमने टेबल टॉप लगवाया, इससे हमारा काफ़ी कुछ स्टोरेज एरिया क्रिएट हो गया, जिसमें हम हार्ड ड्राइव वगैरह रखते हैं। हार्ड ड्राइव है, UPS है, और वायर्स वगैरह जो है हमने यहाँ पर होल्ड कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी सहूलियत होती है हमें कुछ इन सबको रखने के लिए। और इसके अलावा इसकी रखने का चौड़ाई रखने का रीज़न ये है कि जब आप 2 फीट पे काम करते हैं, तो आपका मॉनिटर होता है ना, जो आपके बहुत नज़दीक हो जाता है, और आप काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, तो आपको मॉनिटर आपके नज़दीक नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इसकी जो चौड़ाई है ना टेबल की, 3 फीट रखी है। 6 फीट चौड़ाई इसलिए रखी है क्योंकि 6 फीट में यदि आप 2 मॉनिटर, 2 सिस्टम रखना चाहें, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है 6x3 रखा हुआ है। यदि आपको सिंगल रखना है, तो आप 4x3 या 5x3 भी रख सकते हैं। अब इसको हमने कैसे मैनेज किया, हम आपको दिखाते हैं। ये आपको एक माउस पैड दिख रहा होगा, ये गेमिंग वाले लोग यूज़ करते हैं, 2mm की माउस पैड है, ब्लैक एंड रेड कलर का है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप जब बैठ के काम करते हैं, तो आपका पूरा होल्ड रहता है माउस पे, ये आपको माउस इधर मूव नहीं करता है, और काफ़ी कुछ क्रोम उसमें रहता है, तो आप बहुत मज़ा आता है काम करने, बहुत आनंददायक है, बहुत अच्छा फील करेंगे यदि आप इसका यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप नीचे हमने क्या क्या रखा हुआ। यहाँ पर सारी हार्ड ड्राइव्स हैं, ये 4-4 TB की सारी हार्ड ड्राइव्स हैं, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, हमने सिस्टम में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका UPS मिल जाता है, और यहाँ पर एक देखिए प्रिंटर है। प्रिंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेवल्स वगैरह जो हमारे ऑर्डर आते हैं अमेजन से, हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर आते हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम यहीं से इसको प्रिंट करते हैं, या स्कैन करना होता है कोई, तो यहाँ पर स्कैनर भी इसमें होता है, तो यहाँ से हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा ये आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑडियो डिवाइस है, एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस माइक है, जिससे हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग आवाज़ को लेते हैं। इसको आप कहीं पर मूव कर नहीं ज़रूरत होती, इसको आप मूव करके हम इधर ऐसे कर देते हैं, तो ये आराम से इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और हमारा वीडियो एडिटिंग का पूरा एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ लिखने के लिए माउस पैड रहते हैं, माप पेन है, स्केल है, और ये कैची, और इसके अलावा ये एक ट्राइपॉड मिल जाता है, मोबाइल ट्राइपॉड, जिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका भी यूज़ हम यहीं से या इस तरीके से ये यहाँ रख करके आप हम एक फ्रेम बनाते हैं, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं यूट्यूब के लिए, या किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइव करना होता है, या किसी को कोई सलेशन देना होता है जो हम वीडियो के रूप में देते हैं, तो यहीं से हम रिकॉर्ड करके दे देते हैं। ये पानी बोतल है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं पानी वगैरह के लिए। ये 27 इंच का आईमैक है, जिसमें हम सारा वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, प्रीमियर पे काम करना हो, आफ्टर इफेक्ट काम करना हो, मोशन पे काम करना हो, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और खास बात यह है कि यदि आप इसमें विंडो भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने विंडो का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने पैरेलल के थ्रू विंडो यूज़ किया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से विंडो आपके एक्टिवेट हो जाती है। विंडो एक्टिवेट होने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर हम देखिए, आप विंडो 10 में हम आपका EDS यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 में iMac के ऊपर। तो ये हमारा YouTube चैनल है, जिसमें हम सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह डालते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, प्रीसेट्स का वीडियो या सॉन्ग हाईलाइट, तो इससे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में बताते रहते हैं, इस सारे सॉफ्टवेयर से चलता रहता है। अब हम चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। दूसरा टेबल में हमने 2 टेबल को कंटिन्यू किया है। ये हमारी पुरानी टेबल है, इसी कलर की थी, तो इसको हमने ये कॉर्नर में मिसयूज़ हो रहा था, तो उसको हमने पुराने को यहाँ पर रख दिया। ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर गया यहाँ पे। ये भी टेबल पे हमने 2 सिस्टम मॉनिटर रखे हुए हैं विंडोज़ के,
एक ये आपका मॉनिटर है और दूसरा ये मॉनिटर है, दोनों के सीपीयू, इसका सीपीयू इधर रखा हुआ है और इसका आपका इधर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही तरीके से हमने बनाया है कि टॉप टेबल टॉप के ऊपर टेबल टॉप हमने बनवाया है, 6 इंच हाइट का है और 1 फुट चौड़ाई का है। इसके नीचे आप देखिए बहुत आसानी से जो है बोर्ड आ जाता है। ये देखिए हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है, यदि कुछ सुनना होता तो ये है। ये हमारे कुछ डोंगल्स और पेन ड्राइव्स हैं, ये हार्ड ड्राइव्स है। यहाँ पर ये देखिए, यदि आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो, चश्मा का ये साफ़ करने के लिए, ये जो है ना लेंस साफ़ करने के लिए यहाँ पर ये रेजर रखा हुआ है। यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करने के लिए हब है, यूएसबी हब है जो एक्सटर्नल होता है जिसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये हमारा दूसरा वेबसाइट है वीडियो स्टाइलर का, जिस पे हम केवल बेडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये हमारा वेबसाइट है मंत्रा एट काम का, जो अभी इस सिस्टम पे ओपन है। यहाँ पर अभी ये ट्यूटोरियल्स, इसमें सारा कुछ मिलता है, हमारे प्रोडक्ट रहते हैं वेबसाइट पे। ट्रेनिंग कोर्सेस आपको जो है, ट्रेनिंग कोर्स के बारे में है, पूरा डिटेल रहता है यहाँ पर। सारा डिटेल आपको ट्रेनिंग कोर्स के बारे में मिल जाएगा। बेडिंग प्रोजेक्ट है, मोशन ग्राफिक्स है, और डेमो वगैरह देखना होता है तो आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। डाउनलोड करना, डाउनलोड करने की लिंक भी यहाँ पर हमने वेबसाइट पर दे रखा है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, यहाँ पर भी ये हमारा ब्रांड नेम है। इसके पीछे एक और राज है, यहाँ जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से यहाँ पर हार्ड ड्राइव सारी रहती हैं। यहाँ पर सारी हमने इंटरनल हार्ड ड्राइव स्टोरेज रखी हुई है। ये टूल है जिससे हम हार्ड ड्राइव वगैरह या ग्राफिक्स कार्ड या कुछ ओपन करना हो तो करते हैं। इसको हमने यहाँ से हाइड किया जिससे डस्ट वगैरह नहीं जाती है। ये हमारा एक रैम का डब्बा पड़ा हुआ है। अभी अभी हमारी कुछ रैम्स काफ़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बेसिकली रैम मेरी करीब 40-45 GB रैम ख़राब हो गई। ये देखिए, ये पूरी रैम ख़राब रैम रखी हुई है, 4-5 साल पुरानी थी ये सारी रैम, एक साथ जो है हमारी ख़राब हो गई। ये देखिए 6 हैं, 48 GB रैम मेरी ख़राब हुई है पिछले 1 महीने के अंदर। तो इसके लिए हम नई रैम ला करके लगाया है। फिलहाल ये यहीं रखी हुई हैं, ये किसी काम की नहीं है हमारे लिए, यहीं पे होल्ड पर रखी हुई, इनको अब कहीं और रखना पड़ेगा। तो ये सेटअप हमारा है एडिट करने का सेटअप, जहाँ पर 2-3 लोग बैठ करके आप एडिट कर सकते हैं। देखिए ये आराम से यहाँ पर 3 लोग बैठ करके एडिट कर सकते हैं। एक टेबल यहाँ पर भी, एक कुर्सी लग सकती है जिससे इस पर आप काम कर सकते हैं। जनरली ये मेरा सेटअप आप देख रहे हैं, सेटअप है पूरा। इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हमने पावर के लिए पूरा सिस्टम किया हुआ है, तो ये हमारा जो पावर के लिए बोर्ड है, बेसिकली क्या है, हम कहीं उस पर नहीं करते हैं, ये पूरा बोर्ड पोर्टेबल है, ये पूरा बोर्ड ही है, ये पूरा बोर्ड है। इस पर हमने क्या है, पावर के लिए सारे पहले से सेटअप कर लिए हैं, और यहाँ पर फिर ये जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ से ये मूव करा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर 2 कुर्सियाँ और रहती हैं, यहाँ पर एक और कुर्सियाँ लगाने की स्पेस है जो हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं लगाया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरी जगह जहाँ हम शूट करने के लिए एक स्पेस बनाया है, तो हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे। ये हमारा शूटिंग फ्लोर, शूटिंग एरिया है जहाँ पर हम शूट करते हैं वीडियो को, या ट्यूटोरियल वगैरह का इंट्रो करना हो या कुछ और करना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये शूट करने का एरिया बनाया है। ये आपका हमारा DSLR है, स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, लैपटॉप, माउस। यहाँ पर भी ये हमारी टेबल 2x6 की है जिसपे हम बैठ करके लैपटॉप वगैरह यहाँ रखा हुआ है, और कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। ये लाइटिंग है, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए होती तो इसको हम यहाँ से जला लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा लाइट हमें मिल जाती है नीचे टेबल के लिए, फेस के लिए ये इस तरीके से जल जाती है। यहीं पर ये बैटरी ऑपरेटेड है। ये हमारे पास एक और लाइट स्टैंड है जो हम, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें फोकस करने के लिए कटर वगैरह रखा हुआ है, तो इसको हम जब चाहें तो यहाँ से लाइट ऑन करके जिधर भी घुमाना चाहें, जिस साइड में हमें लाइट की कमी होती है वहाँ हम कर सकते हैं। ये कटर है, कटर से हम उसको जितनी एक्स्ट्रा लाइट है उसको काट भी सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कहाँ पर हमको कोई सब्जेक्ट पे लाइट देनी है, तो वो हम कर सकते हैं। ये एक मोबाइल स्टैंड है जिसमें मोबाइल लगा करके हम शूट कर सकते हैं। ये सोफ़ा है जहाँ पर कुछ लोग बैठ सकते हैं या हम लोग बैठ के बातें वगैरह करते हैं। यहाँ से आपको पूरा एरिया दिख रहा होगा कि कितना एरिया है जो हम लोग यहाँ पर शूट करने के लिए हमने बना रखा है। तो ये पूरा एरिया है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं शूट करने के लिए। तो एक पूरा सेटअप है हमारा छोटा सा, जिसमें हमने 2 LED लाइट लगा रखा है पोर्टेबल। ये रिंग लाइट्स हैं, ये ट्यूब लाइट्स भी हैं, यहाँ पर जलती रहते हैं। यहाँ पर आपको टेबल कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी है। यहाँ पर कुछ सामान होता है रखने के लिए यूज लाइट्स करते हैं, ये आपका देखिए मास्क। यहाँ पर ये कैमरे बैग, लैपटॉप बैग,
ये एक और ब्लूटूथ के वायर वगैरह कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये वायर पूरी टंगी रहती है जिसमें कनेक्शन करने के लिए हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो एडिटिंग सेटअप आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको कुछ कमी लगी हो तो उसको सुधारने के लिए आप कमेंट करिए, और यदि अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कैसा रहा हमारा वीडियो एडिटिंग सेटअप और शूटिंग शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।